इस बीच वक्त है राजस्थान एक्सप्रेस का, जहां पर खबरें हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। शारदीय नवरात्र का सातवां दिन आज मां कालरात्रि स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। दूरदराज के शाकंभरी शक्तिपीठ पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रतापगढ़ के नवरात्र महोत्सव में गरबा की धूम। युवक युवतियों के साथ छोटे छोटे बच्चों का गरबा, महिलाओं का तलवारों के साथ गरबा बना आकर्षण का केंद्र। चांद के बाद अंतरिक्ष फतेह करने की तैयारी। लॉन्च हुई गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट, खराब मौसम के चलते रोकी गई थी लॉन्चिंग। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में गार्ड के साथ मारपीट। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने की मारपीट। मारपीट में गार्ड पूरी तरह से हुआ घायल। सीकर में दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग भी लग गई। घंटे भर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एसपी अमित कुमार ने कई स्थानों का जायजा लिया। मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बूथ लेवल अधिकारियों से समक्ष सक्षम एसपी एससी विजिल ऐप और वाटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में ली जानकारी। चित्तौड़गढ़ के कपासन विधायक अर्जुन लाल जींसर का वीडियो आया सामने। अपने हाथ में सांप को पकड़े दिखाई दे रहे हैं विधायक। क्षेत्र में जाते समय रास्ते में देखा जहरीला सांप। नर्मदा नहर की वितरिकाओं को और माइनरों की साफ सफाई को लेकर चितलवाना सरपंच प्रेमा देवी ने दिया अल्टीमेटम। 7 दिनों में साफ सफाई नहीं हुई तो सरपंच बैठेंगी धरने पर। चितलवाना में बड़ी संख्या में महिलाएं और किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची प्रेमा देवी। भरतपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस। शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। इस बीच इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।